फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग एक्टिविटीज इन टेंसेस। आज हम एक अलग एक्टिविटी देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिखा है और 6 टाइप्स के साथ हमने प्रैक्टिस की है। माहेश्वरी मैडम ने आपको इससे पहले 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना के दिए थे, लेकिन आज हमें क्या करना है, आज हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 6 टाइप्स के साथ कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप ये टेंसेस अच्छे टेक्निक के साथ पढ़ते हो तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बेस आपका परफेक्ट हो सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। ही विल बी स्पीकिंग, ही विल नॉट बी स्पीकिंग, विल ही बी स्पीकिंग, will he not be speaking, what will he be speaking, what will he not be speaking, ये structures हमने लिखे। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा होगा, वो नहीं बोल रहा होगा, क्या वो बोल रहा होगा, क्या वो नहीं बोल रहा होगा, वो क्या बोल रहा होगा, वो क्या नहीं बोल रहा होगा, क्या ये sentences आप तुरंत translate कर सकते हो, क्योंकि कौन सा भी tense आपको 6 types के साथ पढ़ना है। लेकिन जब हम इस tense की practice करेंगे तो हमें क्या करना है, present continuous tense में, past continuous tense में and future continuous tense में क्या difference है, कई सारे sentences में माहेश्वरी मैडम को पूछूंगा, माहेश्वरी मैडम अलग technique के साथ तुरंत उनको ट्रांसलेट करेगी। तो यहाँ पे आपको टेक्निक ऑब्जर्व करना है। तो मैडम, यहाँ पे हमने कौन सा टेंस लिखा है? सर, यहाँ पर आपने लिखा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इट मींस अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल का मतलब क्या होता है? सर, इसका मतलब होता है कोई भी क्रिया जो हमारी फ्यूचर में चल रही होगी तब इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कल मैं खा रही होंगी, कल वे हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, वे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे एंड वे हमारे वीडियो को देखेंगे, इसका क्या मतलब है? सर, वे हमारे वीडियो को देखेंगे, इसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, दे विल वॉच अवर वीडियो। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अगर हमें बोलना है वे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग अवर वीडियो। वेरी गुड। वे नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग। क्या वे देख रहे होंगे, विल दे बी वॉचिंग। क्या वे नहीं देख रहे होंगे, विल दे नॉट बी वॉचिंग। वे क्या देख रहे होंगे, व्हाट विल दे बी वॉचिंग एंड वे क्या नहीं देख रहे होंगे, व्हाट विल दे नॉट बी वॉचिंग। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैडम की एक भी गलती नहीं हुई है। मैडम ने ऐसा नहीं बोला है व्हाट विल बी दे नॉट वॉचिंग, मैडम ने ऐसा ही बोला है व्हाट विल दे नॉट बी वॉचिंग, ऐसा ही बोला है। तो ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है, इसलिए मैडम ऐसे कंस्ट्रक्शन तुरंत बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैडम क्या करना है, कई सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। इस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, शाल है, विल है, उसके बाद भी है वर्ब को आईएनजी। स्पीकिंग का मतलब क्या है, बोल रहा, एंड विल बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूंगा, यहाँ पे आई विल नॉट बी स्पीकिंग, यहाँ पे स्पीकिंग का भी मतलब वही है। और ये वर्बल क्वेश्चन है, ये निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है एंड ये निगेटिव डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर टेंसेस आपने 6 टाइप्स के साथ पढ़े हैं तो हम कई सारे एक्टिविटीज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अभी करने वाले हैं। तो मैडम, शुरू शुरू में आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस में बोलूंगा, आपको ट्रांसलेट करने हैं। मैं कुछ सिंपल फ्यूचर टेंस के भी सेंटेंसेस बोलूंगा, हमारे दर्शक ऑब्जर्व करेंगे, अगर उन्होंने टेंसेस सीखे हैं, पढ़े हैं, तो क्या वो इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट करेंगे। आर यू रेडी? मैडम, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। आप नहीं खा रहे होगी, यू विल नॉट बी ईटिंग। मैडम, क्या आप खा रहे होगी, विल यू बी ईटिंग। मैडम, इसका मतलब मुझे ऐसा पूछना है, क्या भविष्य काल में आपकी क्रिया चल रही होगी। मैडम, मैं कल आपके घर पे आऊंगा, क्या आप पढ़ रही होगी, विल यू बी रीडिंग। तो आपकी क्रिया क्या भविष्य काल में चल रही होगी, ये वर्बल क्वेश्चन है। क्या आप नहीं पढ़ रही होगी, विल यू नॉट बी रीडिंग। मैडम, आप क्या पढ़ रही होगी, व्हाट विल यू बी रीडिंग एंड आप क्या नहीं पढ़ रही होगी, व्हाट विल यू नॉट बी रीडिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। मैडम, कल मैं आपको इस टाइम पे पढ़ा रहा हूंगा, टुमारो आई विल बी टीचिंग एट दिस टाइम। लेकिन आप नहीं पढ़ा रहे होगी, बट यू विल नॉट बी टीचिंग। क्या आप पढ़ा रही होगी, विल यू बी टीचिंग। क्या आप नहीं पढ़ा रहे होगी, विल यू नॉट बी टीचिंग। क्या वो लड़का पढ़ा रहा होगा, विल ही बी टीचिंग। क्या वो लड़का नहीं पढ़ा रहा होगा, विल ही नॉट बी टीचिंग। वो लड़का क्या पढ़ा रहा होगा, व्हाट विल ही बी टीचिंग। वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, व्हिच सब्जेक्ट विल ही बी टीचिंग। एंड वो क्या नहीं पढ़ा रहा होगा, व्हाट विल ही नॉट बी टीचिंग। वेरी गुड। मैं नाच रहा हूंगा, आई विल बी डांसिंग। मेरा लड़का नाच रहा होगा, माय सन विल बी डांसिंग। लेकिन आपका लड़का नहीं नाच रहा होगा, बट योर सन विल नॉट बी डांसिंग। क्या आपका लड़का नाच रहा होगा, विल योर सन बी डांसिंग। क्या आपका लड़का नहीं नाच रहा होगा, विल योर सन नॉट बी डांसिंग। आपका लड़का कहाँ पे नाच रहा होगा, वेयर विल योर सन बी डांसिंग। आपका लड़का किसके साथ नाच रहा होगा, विद हूम विल योर सन बी डांसिंग। आपका लड़का क्यों नाच रहा होगा, व्हाई विल योर सन बी डांसिंग। एंड आपका लड़का क्यों नहीं नाच रहा होगा, व्हाई विल योर सन नॉट बी डांसिंग। वेरी गुड मैडम। कल मैं लिख रहा हूंगा, आई विल बी राइटिंग टुमारो। यस, हम लिख रहे होंगे, वी विल बी राइटिंग। लेकिन हम नहीं लिख रहे होंगे, बट वी विल नॉट बी राइटिंग। वे नहीं लिख रहे होंगे, वी विल नॉट बी राइटिंग। क्या हम लिख रहे होंगे, शैल वी बी राइटिंग। वेरी गुड। क्या हम नहीं लिख रहे होंगे, शैल वी नॉट बी राइटिंग। हम क्या लिख रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी राइटिंग। वेरी गुड। एंड हम क्या नहीं लिख रहे होंगे, व्हाट शैल वी नॉट बी राइटिंग। वेरी गुड। वे लड़के खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वे खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग। क्या वे नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग। वे क्या खेल रहे होंगे, व्हाट विल दे बी प्लेइंग। एंड वे क्या नहीं खेल रहे होंगे, व्हाट विल दे नॉट बी प्लेइंग। वेरी गुड। अभी मैं सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट करूंगा। मैडम, कल मैं खेलूंगा, टुमारो आई विल प्ले।
लेकिन मैं नहीं खेल रहा हूँ, बट आई विल नॉट बी प्लेइंग। क्या अंतर है मैडम दो सेंटेंसेस में? सर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था वो सिंपल फ्यूचर टेंस का था और सेकंड वाला फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का था। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ एक्शन को भविष्य काल में घटित हो जाएगी ऐसा कंसिडर करेंगे, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वो एक्शन भविष्य काल में चल रही होगी ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों आगे की एक्टिविटी क्या है, हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट करेंगे। आपको यह कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो हमारी टेक्निक की सहायता से हमारे ऐप में जाकर, तो आपको भी ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो मैडम हम डिफरेंशिएट करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है मैं सेंटेंस कौन से टेंस में बोल रहा हूं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। एंड मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। वो जा रही है, शी इज गोइंग। वो जा रही थी, शी वाज गोइंग। एंड वो जा रही होगी, शी विल बी गोइंग। मैडम मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। वेरी गुड। मैडम क्या आप खा रही हो, आर यू ईटिंग। मैडम क्या आप खा रही थी, वर यू ईटिंग। मैडम क्या आप खा रही होगी, विल यू बी ईटिंग। वेरी गुड। मैडम क्या आप नहीं खा रही हो, आर यू नॉट ईटिंग। क्या आप नहीं खा रही थी, वर यू नॉट ईटिंग। एंड क्या आप नहीं खा रही होगी, विल यू नॉट बी ईटिंग। मैडम क्या आप नहीं खा रही हो, ये कौन सा टेंस है? सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या आप नहीं खा रही थी, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या आप नहीं खा रही होगी, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप? क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है ना सर, इसलिए मैं इजीली छह टाइप्स के साथ प्रैक्टिस की है, और हमारे दर्शक छह टाइप्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करते, वो सिर्फ फॉर्मूला से टेंसेस को रटते। मैडम आप क्या खा रही हो, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या खा रही थी, व्हाट वर यू ईटिंग। एंड आप क्या खा रही होगी, व्हाट विल यू बी ईटिंग। मैडम आप क्या नहीं खा रही हो, व्हाट आर यू नॉट ईटिंग। एंड आप क्या नहीं खा रही थी, व्हाट वर यू नॉट ईटिंग। एंड आप क्या नहीं खा रही होगी, व्हाट विल यू नॉट बी ईटिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस आप तुरंत कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। फ्रेंड्स यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60-90 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी चार किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, ए टू जेड ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। अगर मुझे बोलना है मैडम मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। एंड मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग। क्या आप पढ़ा रही हो, आर यू टीचिंग। क्या आप पढ़ा रही थी, वर यू टीचिंग। एंड क्या आप पढ़ा रही होगी, विल यू बी टीचिंग, विल यू बी टीचिंग। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस मैडम हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम हमारे दर्शकों को एक प्रैक्टिस दिखाएंगे। आप मुझे बोल सकते हो एक वर्ब लेके छह टाइप्स के साथ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? इससे पहले हमने प्रैक्टिस देखी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस में आपको करके दिखा सकता हूँ, आपको मुझे वर्ब चेंज करके देना है। आर यू रेडी? यस सर। तो सर आपको मैं वर्ब देती हूँ प्लेइंग। प्लेइंग, प्लेइंग के साथ मुझे प्रैक्टिस करनी है और मुझे एक मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके बाद आप भी मेरी टेस्ट ले सकते हो। आई विल बी प्लेइंग का मतलब मैं खेल रहा हूंगा। तो जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, मेरी भविष्य काल में क्रिया चल रही होगी। एंड आई विल प्ले का मतलब सिंपली मैं खेलूंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से मैं आपको 60 सेंटेंसेस एक मिनट में बना के दे सकता हूं। आई विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, इट विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग, श्याम विल बी प्लेइंग, आई विल नॉट बी प्लेइंग, वी विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, शी विल नॉट बी प्लेइंग, इट विल नॉट बी प्लेइंग, राम विल नॉट बी प्लेइंग, श्याम विल नॉट बी प्लेइंग, शैल आई बी प्लेइंग, शैल वी बी प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग, विल शी बी प्लेइंग, विल इट बी प्लेइंग, विल राम बी प्लेइंग, विल श्याम बी प्लेइंग, शैल आई नॉट बी प्लेइंग, शैल वी नॉट बी प्लेइंग, विल यू नॉट बी प्लेइंग, विल यू नॉट बी प्लेइंग, विल दे नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल शी नॉट बी प्लेइंग, विल इट नॉट बी प्लेइंग, विल राम नॉट बी प्लेइंग, विल श्याम नॉट बी प्लेइंग, व्हाट शैल आई बी प्लेइंग, व्हाट शैल वी बी प्लेइंग, व्हाट विल यू बी प्लेइंग, व्हाट विल यू बी प्लेइंग, व्हाट विल दे बी प्लेइंग, व्हाट विल ही बी प्लेइंग, व्हाट विल शी बी प्लेइंग, व्हाट विल इट बी प्लेइंग, व्हाट विल राम बी प्लेइंग, व्हाट विल श्याम बी प्लेइंग, व्हाट शैल आई नॉट बी प्लेइंग, व्हाट शैल वी नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल यू नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल यू नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल दे नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल ही नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल शी नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल इट नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल राम नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल श्याम नॉट बी प्लेइंग। ओके सर, अब मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस बोलती हूं, आप उनको ट्रांसलेट कीजिए। यस। मेरी मम्मी खाना बना रही होगी। माय मदर विल बी कुकिंग। मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही होगी। माय मदर विल नॉट बी कुकिंग। क्या वो खाना बना रही होगी? विल शी बी कुकिंग। क्या वो खाना नहीं बना रही होगी? विल शी नॉट बी कुकिंग। वो क्या बना रही होगी? व्हाट विल शी बी कुकिंग? वो कहां पर खाना बना रही होगी? वेयर विल शी बी कुकिंग?
वह क्या नहीं बना रही हो? What will she not be cooking? मैं स्कूल जा रहा होगा। I will be going to school। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? He will not be going to school। क्या वह स्कूल जा रहा होगा? Will he be going to school? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा? Will he not be going to school? वह कहाँ जा रहा होगा? Where will he be going? वह किसके साथ जा रहा होगा? With whom will he be going? वह कैसे जा रहा होगा? How will he be going? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा? Why will he not be going to school? वह स्कूल किसके साथ नहीं जा रहा होगा? With whom will he not be going to school? Okay sir। तो यहाँ पे मैडम हमें क्या करनी है, ऐसी अलग अलग एक्टिविटी करके प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस का एक फायदा और भी हो सकता है, हमारे दर्शकों की फ्लुएंसी बढ़ सकती है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है आई विल नॉट बी स्पीकिंग, इसकी प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हो आई वोंट बी स्पीकिंग, वी वोंट बी स्पीकिंग। और जब आप यहाँ पे आती हो टाइप फोर में शांट आई बी स्पीकिंग, शांट वी बी स्पीकिंग, वोंट यू बी स्पीकिंग, वोंट यू बी स्पीकिंग, ऐसी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस डिफिकल्ट लगती है, अगर आपका कंफ्यूजन होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपने 2 घंटों में पूरे टेंसेस सीखे हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन अवॉइड करना है। तो इसके लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में बहुत ही अच्छे से हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक ऐसे मोर देन 600 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड की है। ये टेंस तो पहले हमने पढ़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस दिखाई है, और प्रैक्टिस के अलग अलग टेक्निक्स आप हमारे देख सकते हो। और एक जरूरी बात, अगर माहेश्वरी मैडम के साथ और मेरे साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ना है, ये प्रैक्टिसेस करनी है, और भी मोर देन 500 एक्टिविटीज देखनी है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन हो सकते हो, और हमारी फीस भी बहुत ही कम है। आपने अभी तक कितने सारे ऑनलाइन क्लासेस लगाए हैं, लेकिन क्या आपको रिजल्ट मिला है? क्या इसी टाइप से आपको किसी ने पढ़ाया है? अगर नहीं पढ़ाया है तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख सकते हो, और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप ज्वाइन हो सकते हो बहुत ही कम फीस में। और एक जरूरी बात, हमारे पास ए टू जेड ग्रामर विद राइटिंग स्किल का बहुत ही अच्छा कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। और अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स हमारा देखना है, तो 60-90 डेज का एक शेड्यूल है, लेकिन 1.5 साल तक वो कोर्स आपके मोबाइल में रहता है, और उसके साथ 4 किताबें आपके पते पे मिलती है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है और आगे जाना है।